الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुज़ुर्गान मोहतरम नौजवान अज़ीज़ आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ है। ज़िलहिज्जा का ये महीना जो इस्लामी महीनों के एतबार से सबसे आखिरी महीना है, बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। ख़ासकर इस महीने की जो शुरू के 10 दिन हैं, 10 रातें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दीगर महीनों के एतबार से अफज़ल हैं। एक तो ये है कि इस महीने में इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन और एक बहुत बड़ी इबादत यानी हज इसी महीने में अदा किया जाता है, इसीलिए इस महीने का नाम ही ज़िलहिज्जा है, हज वाला महीना। अल्लाह तबारक व ताला ने बाज़ मकामात को और बाज़ अवकात को दीगर मकामात और इसी तरह दीगर अवकात पर फजीलत दी है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है बंदों पर। अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरे बंदे पूरी ज़िंदगी और पूरे साल तो मुस्तकिल इबादत में नहीं लगे रहेंगे, इनसे कोताही होगी, गफलत होगी, सुस्ती होगी, तो अल्लाह ताला ने साल में कुछ अय्याम और कुछ रातें ऐसी रख दीं ताकि बंदे कम से कम इन दिनों में और इन रातों में इबादत करके वो मुझसे करीब हो जाएं। तो ये उन्हीं अय्याम में ये 10 दिन अशराए ज़िलहिज्जा के
जो आज से शुरू हुए हैं, 10 दिन तक और 10 रातें, जिनमें इबादत करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और ये ज़िलहिज्जा का जो महीना है, ये उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मिन्हा अरबातुन हुरुम, कि ये साल के जो 12 महीने हैं ये अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं, लेकिन इन 12 महीनों में से 4 महीनों को अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाया है, बहुत ही ज़्यादा हुरमत वाले बनाया है, अजमत वाले बनाया है। उन 4 महीनों में से एक ज़िलहिज्जा का महीना है। और ज़माने जाहिलियत में, जबकि इस्लाम अभी नहीं आया है, उससे पहले ज़िलहिज्जा के महीने को कुफार और मुशरिकीन भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया करते थे, यहाँ तक के क़त्लो क़िताल, जंग जिदाल ये सब बंद कर दिया करते थे। और किताबों में लिखा है कि अगर बाप का कातिल भी मिल जाता तो वो ज़िलहिज्जा के महीने में या जो हुरमत वाले महीने थे उन महीनों में वो उसको कत्ल नहीं किया करते थे। तो जाहिल लोग भी ज़माने जाहिलियत में इस महीने की अज़मत को सामने रखते हुए, इसका एहतराम करते हुए इस महीने में लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। अपने तौर पर जो इबादतें उन्होंने घर ली थी उन इबादतों को अंजाम दिया करते थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की, ख़ासकर इन 10 दिनों की बड़ी अजमत और बड़ी फजीलत बयान फरमाई। सबसे पहले तो कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने इन दिनों की और इन रातों की फजीलत बयान करने के लिए कसम खाई है। जो आयात हमने खुतबे में पढ़ी हैं सूरह फजर की आखिरी पारे की आयतें हैं, वल फजर व लयाल इन अशर, अल्लाह ताला ने कसम खाई सुबह की और 10 रातों की, व लयाल इन अशर व शफ़ी वल वत्र, इसी तरह जुफ्त की और ताक की। आप जानते हैं कि इंसान भी जब कसम खाता है तो अजमत वाली चीज़ों की ज़रिए से कसम खाता है। कोई क़ुरान की कसम खाता है, कोई अल्लाह की कसम खाता है, और जो लोग जानते नहीं हैं मसला, वो माँ के सर की कसम खाते हैं, अपने सर की कसम खाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता मेरे जूतों की कसम, मेरे पैरों की कसम। कसम जो है उन चीज़ों की खाई जाती है जो अजमत वाले होती हैं, बड़े मकाम वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी कसमें खाई जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाकर उन चीज़ों की अहमियत को बताया है। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने कसम खाकर उन चीज़ों की अजमत को बढ़ाया है। तो उन्हीं चीज़ों में से अल्लाह ताला ने सूरह फजर में 4 चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम खाई, वल फजर सुबह की कसम खाई, वलयाल इन अशर और फिर 10 रातों की कसम खाई, व शफ़ी और इसी तरह जुफ्त की कसम खाई, जुफ्त अदद की, और वल वत्र और ताक अदद की कसम खाई। तो ये जो 4 चीज़ों की अल्लाह ताला ने इसमें कसम खाई है, इनसे क्या मुराद है? तो अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, ये बयान किया है, वल फजर से मुराद और वलयाल इन अशर से मुराद ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन और 10 रातें हैं। अल्लाह ताला ने ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की और 10 रातों की कसम खाकर, और फिर उसके बाद वह शफ़ी, जुफ्त से मुराद
ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है, उसके अल्लाह ने कसम खाई, वल वत्र और ताक की कसम खाई, यानी अरफे के दिन की कसम खाई। तो गोया यह ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की और 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। इसी से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के यहाँ इन 10 रातों की और इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा अजमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन अहब्बु इलल्लाह मिन अय्यामिल अशर, कि अल्लाह को दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा महबूब है। पूरे साल के दूसरे दिनों में और दूसरे रातों में जो नेक अमाल हम करते हैं उनके मुकाबले में इन 10 दिनों में जो अमल किया जाता है और इन 10 रातों में जो अमल किया जाता है अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रात सहाबा इकराम ने ये सवाल किया, वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद से भी ज़्यादा फजीलत इन दिनों में और इन रातों में इबादत की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने जिहाद का ज़िक्र किया, इसलिए कि जिहाद एक अज़ीमुश्शान अमल है, बहुत ऊँचा अमल है, अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा अमल है, और जिसमें इंसान सर ता पैर कफन लपेट कर चला जाता है अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान होने के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, तो बहुत ऊंचा अमल है जिहाद, उसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा है। तो हज़रात सहाबा इकराम ने यह पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन दिनों में और इन रातों में इबादत करना जिहाद से भी बढ़कर है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इन दिनों में और इन रातों में इबादत करना जिहाद से भी ज़्यादा फजीलत है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना ऊँचा मकाम और मरतबा इन दिनों का, इन रातों का है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, हाँ, अगर कोई जिहाद में निकला यहाँ तक कि अपनी जान को भी पेश कर दिया और सब कुछ लुटा कर क़ुरबान होकर शहीद हो गया तो उसका तो ऊंचा मकाम है, लेकिन सिर्फ जिहाद में अगर कोई जा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है अल्लाह के लिए, लेकिन उसके मुकाबले में इन दिनों में इन रातों में इबादत करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अफसोस की बात है और हम सबको भी इस पर बहुत ज़्यादा रंज होना चाहिए कि हमारे यहाँ इन दिनों की और इन रातों की कोई कदर नहीं है। हम जानते भी नहीं हैं कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है। जैसे हम दूसरे दिन और दूसरे रातें गुजारते हैं, इसी तरह इन अय्याम को और इन रातों को गुजार देते हैं। सिर्फ ले देकर एक महीना रमज़ान का है जिसमें कुछ इबादतें हम कर लेते हैं। ये ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं शुरू के, इनका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है आप अंदाज़ा लगाएं। हज़रात उलमा इकराम में अब दो ग्रुप बने। एक ने यह कहा कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में साफ फरमाया है कि ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में और इन 10 रातों में इबादत करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, तो ये रमज़ान से भी बढ़कर है, और रमज़ान में भी आखिरी अशरा जो रमज़ान का बहुत ही ज़्यादा मकाम और मर्तबा रखने वाला अशरा है, उससे भी ज़्यादा फजीलत वाले अय्याम और ये रातें हैं। इसलिए कि इन अय्याम में अरफा भी है, और याद रखें अरफा ये पूरे साल में सबसे ज़्यादा अफजल दिन है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा अफजल दिन अरफा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा को, जिस दिन सारे हुज्जाज अरफात के मैदान में पहुंचते हैं
और वहाँ वकूफ़ आरफा करते हैं, ठहरते हैं और ख़ूब अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, रोते धोते हैं। बहुत ऊंचा अमल है हज का, अज़ीमुश्शान अमल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरे साल में आरफा के दिन जितने बंदों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करते हैं, उतने बंदों को किसी और दिन में आज़ाद नहीं करते। बहुत ज़्यादा फजीलत वाला दिन है। यहूदियों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर यह कहा था कि कुरान मजीद की एक आयत ऐसी नाजिल हुई है कि अगर वह हमारे ऊपर नाजिल होती तो हम उसे ईद का दिन बनाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन सी आयत है? तो उन्होंने पढ़कर सुनाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम के तकमील की खुशखबरी दी है कि अब इस्लाम, ये जो नेमत है अल्लाह ने इसको मुकम्मल कर दिया है, दीन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है। अब क़यामत तक यही दीन चलेगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जानते हैं कि यह आयत कब नाजिल हुई। यह आरफा के दिन नाजिल हुई, जुमा का वक्त था। तो जिस दिन इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमाया वो आरफा का दिन है। तो इसलिए उलमा ने कहा कि इन अय्याम में आरफा है, इसलिए ये रमज़ान के आखिरी अशरे से भी ज़्यादा अफजल है। और उलमा का जो दूसरा ग्रुप है, उन्होंने कहा कि नहीं, रमज़ान का आखिरी अशरा उसमें रोज़ा है, उसमें शब कदर होती है, इसलिए वो ज़्यादा अफजल है। फिर इन दोनों के दरमियान तदबीक दी। उलमा ने इसका रास्ता निकाला और कहा कि रमज़ान की जो आखिरी अशरे की रातें हैं, वो रातें पूरे साल में सबसे ज़्यादा अफजल हैं। और ज़िलहिज्जा के जो दो 10 दिन हैं, ये 10 दिन ये पूरे साल में सबसे अफजल हैं। क्यों? इसलिए कि इन दिनों में आरफा का दिन है और आरफा पूरे साल का सबसे अफजल दिन है। तो इसलिए ये अशरा जो आखिरी अशरा है ज़िलहिज्जा का, ज़िलहिज्जा का जो पहला अशरा है, ये सबसे अफजल है पूरे साल में, रमज़ान के आखिरी अशरे से भी ज़्यादा अफजल है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में चूँकि शब कदर है और शब कदर ये पूरे साल की तमाम रातों में अफजल है, तो इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें ये पूरे साल में सबसे ज़्यादा अफजल हैं। इस तरह इन दोनों अहादीस और ये रिवायात वग़ैरह को तदबीक दी गई कि अशरा ज़िलहिज्जा के दिनों में जो इबादत की जाती है अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, रमज़ान के आखिरी अशरे से भी ज़्यादा। और रमज़ान के आखिरी अशरे में रात में जो इबादतें की जाती हैं वो रातें सबसे ज़्यादा अफजल हैं, वह ज़िलहिज्जा के अशरे पहले अशरे के रातों से भी ज़्यादा फजीलत वाले वो रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें हैं जिनमें ताक रातें हैं और शब कदर है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, खुलासा आप हजरात ये समझें कि ये जो 10 दिन हैं, ये जो 10 रातें हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत वाली रातें हैं, फजीलत वाले दिन हैं। अल्लाह हम सबको कदर नसीब फरमाए। आप अंदाज़ा लगाएं, रमज़ान के आखिरी अशरे से भी ज़्यादा फजीलत इन अय्याम की है। लेकिन हमारे यहाँ कितनी गफलत होती है, इबादतों में इजाफा तो दूर की बात, नमाजें तक हमारी, फ़र्ज नमाजें तक हमारी छूटती रहती हैं जैसे पूरे साल छूट रही हैं। और फिर दुनिया के अंदर जो हालात हैं, मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है, उसके लिए रोना रोते रहते हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? हमें ज़रा अपने आमाल तो देखें। जो इस्लाम के अहम अरकान हैं उसमें हमारे अंदर कितनी सुस्ती है, कितनी गफलत है। नमाज जैसे अज़ीमुश्शान इबादत को हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी सिर्फ आते हैं तो जुमा के दिन कुछ लोग आ जाते हैं।
और पांच वक्त की जो नमाजें जिस तरह जुमा की नमाज फर्ज है इसी तरह पांच रोजाना नमाजें फर्ज है। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों इन दस दिनों की और इन दस रातों की हम कदर करने की पूरी पूरी कोशिश करें। कदर कैसे होगी, क्या करना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया, खुद अमल करके बताया। एक तो ये है कि रोज़े का अहतमाम हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम में खुसूसियत के साथ रोज़ा रखा करते थे और इनकी फजीलत भी बताई। चुनाचे आपने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में एक रोज़ा रखना एक साल के रोज़ों के बराबर है। एक रोज़ा रखेंगे तो एक साल रोज़ा रखने का जो सवाब है वो सवाब आपको एक रोज़े पर मिल जाएगा। एक सहाबी हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनका मामूल ये था कि जैसे ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाता तो वो रोज़ा रखने शुरू कर देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला कर पूछा, तंबीहुल गाफिलीन में हज़रत अल्लामा फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। तो उन सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान सहाबी थे, इसलिए कि ये अय्याम शियार वाले दिन हैं, इसमें हज जैसी अजीमुशान इबादत अंजाम दी जाती है। मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हो जाएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये उम्मीद होती है कि जहाँ अल्लाह तबारक व ताला इन ख़ास अमलों को करने वालों पर रहमत फरमाएंगे, हज वग़ैरह करने वालों पर, वहीं अल्लाह ताला मुझ पर भी रहम फरमा दे और उनकी दुआओं में मुझे भी शामिल कर दें, मैं इस उम्मीद पर रोज़ा रखना शुरू कर देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुमने सही बात कही। फिर उसके बाद आगे आपने उनको और तरगीब दी और हिम्मत दिलाई और कहा कि एक रोज़ा रखोगे तो 100 गुलाम आज़ाद करने का तुम्हें सवाब मिलेगा, एक रोज़ा रखोगे तो 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में ज़ुबह करने का सवाब मिलेगा और 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए साजो सामान के साथ देने का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों अंदाज़ा तो लगाएं कि रोज़े पर कितना सवाब है, एक साल के रोज़ों का सवाब और फिर एक 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का। एक ग़ुलाम को कोई आदमी आज़ाद कर देता है तो जहन्नम उस पर हराम हो जाती है। 100 ग़ुलामों को आज़ाद करने और 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़ुबह करने का सवाब, कहाँ हम 100 ऊँट एक ऊँट भी ज़ुबह करना हमारे लिए मुश्किल। 100 ऊँट साजो सामान के साथ हथियार के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद में देने का जो सवाब है वो सवाब आपको एक रोज़ा रखने पर मिलेगा। कितना ऊंचा अजर और सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फिर फरमाया 8 ज़िलहिज्जा को रखोगे रोज़ा, ये तो ज़िलहिज्जा की एक तारीख से लेकर 8 ज़िलहिज्जा तक है। 8 ज़िलहिज्जा को रखोगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डबल सवाब मिलेगा, 200 ऊँट और 200 ग़ुलाम और 200 घोड़े का सवाब। और फिर 9 ज़िलहिज्जा को रखोगे, अरफा का जो रोज़ा होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक फजीलत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक साल पहले के गुनाह माफ़ और एक साल बाद के गुनाह माफ़, सगीरा गुनाह माफ़। और फिर यहाँ अरफे के दिन रोज़ा रखने का सवाब 1000 गुना हो जाएगा, 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने का, 1000 ऊँट ज़ुबह करने का और 1000 घोड़े साजो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में देने का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों ये जो सवाब और अजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है बयान किया है अल्लाह की तरफ से, ये हम सब की तरगीब के लिए है कि हमारे अंदर रग़बत पैदा हो। लेकिन हमारा ईमान देखें कितना कमज़ोर हो चुका है,
इतनी फजीलतें सुनने के बावजूद भी हम ये अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। मादी चीज़ों की अगर कोई फजीलत आपके सामने बयान की जाए तो हम उसके लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं कि भाई फलां चीज़ ख़रीद लो, चंद दिनों के बाद उसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है, फौरन पैसे नहीं है कर्ज़ लेकर ख़रीदेंगे, फलां कंपनी में पैसे डाल दो हर महीना इतना आएगा, पैसे नहीं है जायदाद बेच कर डालेंगे। मादी चीज़ों से इतनी मोहब्बत, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत, मरने के बाद जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है वहाँ जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनकी फजीलत जब बयान की जा रही है और उनकी सिलसिले में तरगीब दी जा रही है, इतना सुनने के बावजूद भी हम बहुत मुश्किल से इन आमाल को करने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, कदर नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इन दिनों में और इन रातों में किया जाने वाला अमल और ख़ासकर रोज़ा जिस पर इतना अजर और सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और उसी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तरगीब दी कि इन दिनों में और इन रातों में कसरत से अल्लाह की हम्द बयान की जाए, तस्बीह बयान की जाए और तकबीर और तहलील यानी अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़ें, सुबहानअल्लाह कसरत से पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ें और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह इनको कसरत से पढ़ा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ इन अय्याम में अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया है, सूरह हज में भी और सूरह बकरा में भी इसका जिक्र है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन दिनों में कसरत से इन जिक्र को किया करो और ख़ुद भी चलते फिरते हर जगह बिस्तर पर जहाँ मौका होता था वहाँ तकबीर तहमीद ये सब पढ़ा करते थे। अल्लाह करे कि हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। बाजार में चल रहे हैं, बिस्तर पर हैं, कहीं भी हैं और हो सके तो ज़रा ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ा करें ताकि दूसरे लोगों को तरगीब हो जाए, उनको भी याद आ जाए, वो भी पढ़ने वाले बन जाए। तो कसरत से अल्लाहु अकबर, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी तरह सदका भी कसरत से करना है, इसलिए कि इन अय्याम में कोई भी नेक अमल करें अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा उस पर अजर अता फरमाते हैं। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों इन दिनों में रोज़ों का ख़ास ख्याल रखो और कसरत से जिक्र और सदका वगैरह किया करो, इसलिए कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इन दिनों की और इन रातों की कदर ना करे और महरूम रहे इनकी इबादतों से उसके लिए हिलाकत है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये भी सुनने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर ज़र्रा भी अगर फ़िक्र पैदा ना हो और तवज्जो ना हो तो यकीनन हम सबको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत, मालो मता की मोहब्बत कितनी दिल में आ चुकी है कि इतना सुनने के बावजूद भी हम तस से मस नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज़ों का अहतमाम करें और उसके साथ साथ कुछ इबादत में इजाफा करना है। इशराक पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, दो दो रकात का इजाफा कर दें और सदका अगर रोज़ाना 10-20 रुपए देने का मामूल था 10-20 रुपए बढ़ा दीजिए इन 10 दिनों में, 20 की जगह 40 दे दीजिए। इस तरह इबादत में इन दिनों में ख़ासकर इजाफा हमें करना चाहिए और बिलखसूस इन दिनों के अंदर जो ख़ास अमल, एक तो हज जैसी अजीमुशान इबादत है और उसके अलावा क़ुरबानी है जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, आपकी सुन्नत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। इस सिलसिले में भी हमें याद रखना चाहिए क़ुरबानी सिर्फ जो है एक सालाना रस्म नहीं है और सिर्फ गोश्त तकसीम कर देने का नाम नहीं है, गोश्त खा लेने का नाम नहीं है, क़ुरबानी की एक रूह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अहम सबक दिया है वो सबक ये है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को बिला छूँ अचरा कबूल कर ले, अपनी अकल को न दौड़ाए, अल्लाह का हुक्म है मान ले। ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा कर रहे हैं, आपने सवाल नहीं किया कि अल्लाह क्या बेटे को ज़ुबा किया जाता है,
बग़ैर सवाल के, बग़ैर चूँ चरा के आपने अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अजीम सबक है, अहम सबक है। हमें इस सबक को याद करना चाहिए। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म हमारे सामने आ जाए, तो हमें बग़ैर चूँ चरा के उसे कबूल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो क़ुरबानी एक अजीमुशान इबादत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा किया था, लेकिन अल्लाह ने आपके इस अमल को कबूल फरमा कर जन्नत से मेंढा भेजा और उसको आपने ज़ुबा किया। उसी की यादगार अल्लाह ताला ने क़यामत तक उसको बाकी रखा और इस उम्मत को भी हुक्म दिया कि हर साल बकरीद के मौके पर जानवर को ज़ुबा करें। हुक्म होता अगर बेटे को ज़ुबा करने का तो हम क्या करते, सोच लें। जानवर ज़ुबा करने के लिए कहा जा रहा है तो हज़ार किस्म के सवालात कि भाई महंगाई का दौर है, कैसे करेंगे, क्या हर साल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे, 10 साल हर साल आपने कुर्बानी दी है। हर साल कुर्बानी वाजिब है। किस पर वाजिब है? जिस पर ज़कात वाजिब है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी जिसके पास तफसीलात में गए बग़ैर मोटे मोटे अंदाज में समझ लें कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। जिसके पास 612 ग्राम चांदी या उसके बराबर कैश मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ साल होना ज़रूरी नहीं है, तिजारत का माल यानी बढ़ने वाला माल होना ज़रूरी नहीं है। आज के हिसाब से तकरीबन 40,000 रुपये 612 ग्राम चांदी की कीमत है। 40,000 रुपये का अगर कोई मालिक है, और इन दिनों में ख़ासकर बकरीद के ये जो 3 दिन हैं, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा की असर तक, मगरिब तक, अगर इतने पैसों का वो मालिक हो जाता है, इतने पैसे उसके पास आ जाते हैं, या उसके पास ज़रूरत से ज़ायद कोई ऐसा सामान रखा हुआ है जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, घरों के अंदर जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं जिनको साल में कभी इस्तेमाल किया जाता है वैसे, और कभी कभी इस्तेमाल भी नहीं होता, ऐसे ही घरों में पड़ा रहता है, देगे हैं बड़ी बड़ी और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, टीवी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़ायद हैं, अगर उनकी कीमत 40,000 रुपये है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी उस पर वाजिब है। गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ज़रूरत की है, एक गाड़ी ज़रूरत से ज़ायद है, उसकी कीमत 40,000 रुपये, कुर्बानी वाजिब है और हर साल कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं कि इस साल मैंने अपने नाम से दे दिया, पिछले साल वालिदा के नाम से, अगले साल वालिद के नाम से, उसके बाद बीवी के नाम से, नहीं नहीं, हर साल आप पर जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी देना है। घर में अगर 4 अफराद हैं, 4 अफराद भी अगर इतने पैसों के मालिक हैं और औरतें इतने जेवरात के मालिक हैं तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। क्या औरतों के पास इतना जेवर नहीं है जिसकी कीमत 40,000 हो? सोना चांदी दोनों मिलाकर, सोना चांदी दोनों मिलाकर 40,000 रुपए के अगर जेवर हैं तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। कितनी औरतें कुर्बानी देती हैं? घर के तकरीबन 5-6 अफराद हैं, 5-6 अफराद पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन पूरे घर की तरफ से 1 बकरा दे दिया जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बानी अल्लाह से मोहब्बत और इश्क का एक नजराना है। जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगी वो तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होगा, अपना सारा माल कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। क्या साल में 1 मरतबा 10-12 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये में बकरा आ जाता है, उतने रुपये की वो कुर्बानी नहीं दे सकता? जब हज़ारों रुपए के मोबाइल ख़रीदे जा सकते हैं, हज़ारों रुपए दूसरी जगह खर्च किए जा सकते हैं, वहाँ ये ख्याल नहीं आता कि हम गरीबों का ख्याल करना चाहिए। रिश्तेदारों में फलां की शादी है तो क्या कुर्बानी देने के बजाय उनको पैसे दे दें? मोबाइल ख़रीदते हुए ये ख्याल नहीं आया, नई गाड़ी ख़रीदते हुए ख्याल नहीं आया, टीवी ख़रीदते हुए ख्याल नहीं आया,
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सब शैतानी हरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल को ज़ुबह करने के लिए ले जा रहे थे, शैतान हज़रत हाजिरा के पास भी गया था और कहा था, क्या कोई बेटे को ज़ुबह कर सकता है? हज़रत हाजिरा ने कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और वहाँ भी वरगलाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ मारी और फिर दूसरी जगह गया, वहाँ भी वरगलाया, वहाँ भी 7 कंकरियाँ, तीसरी जगह फिर वहाँ भी 7 कंकरियाँ। मीना में जो जमरा उला है, जमरा अकबा है, जमरा उस्ता है, जहाँ हाजी जो है मीना के 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा वगैरह में वो मीना में कंकरियाँ मारते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वही यादगार है। शैतान है वो, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर है, उनको शैतान ने वरगलाया, इसी तरह हमें भी वरगलाएगा। जब आप कुर्बानी का इरादा करेंगे, 1000 बहाने सामने लाकर खड़ा करेगा, भाई फलां की शादी है, फलां है, घर का फलां तकाजा है, कहाँ इतने पैसे खर्च करोगे, चलो वहाँ फलां जगह जो है बिहार में या फलां जगह 2000 में 2500 में कुर्बानी हो रही है, पैसे दे दो, कुर्बानी हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ज़रा दिल पर आरे चले, कुर्बानी का ज़रा मज़ा तो आए कि अपने हाथों से जानवर को पालो। हज़रत साहबा इकराम इसका एहतमाम किया करते थे, जानवरों को लेते, मोटा करते, ताज़ा करते, पालते। जिनको अल्लाह ने इस्तेआत दी है घरों के पास वो जगह रखते हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द बकरे ख़रीदें और उनको पालें, अपने हाथों से खिलाएं, अपने हाथों से नहलाएं और अपने हाथों से उसकी लीद को, उसके गोबर को उठाएं। ये सब फजीलत वाला अमल है, इस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, खुश दिली से कुर्बानी करना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा इस पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी खुश दिली के साथ अल्लाह के रास्ते में जानवरों को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो दिमागों में ख्याल आ रहा है, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ की महंगाई हुई है, हर चीज़ में कीमत बढ़ी है, लेकिन क्या हमने दूसरी चीज़ें लेना छोड़ दी हैं? पेट्रोल की कीमत बढ़ी, घर के अशिया की कीमतें बढ़ी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्बानी का मसला आता है तभी शैतान याद दिलाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये सारे ख्यालात ख़त्म करें। जब भी ख्याल आए और शैतान आपको वरगराए तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें और पढ़ कर आगे बढ़ें, इस सिलसिले में पीछे ना हटें। जल्द से जल्द अपने जानवरों को खरीदें अपने और अपने हाथों से पालें, पोसें, उसकी मोहब्बत ज़रा दिल में आ जाए, फिर जब उसको आप ज़ुबह करें तो आपके दिल पर उसका असर हो। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए, कदर नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, एक अहम ऐलान ये करना है कि आप हज़रात जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह जुल्म बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर क्या होगा, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर हमारी रविश यही रही और हमारा अमल यही रहा, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर यकीनन अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी बड़ी आएगी, अल्लाह ताला की तरफ से अजाबात भी आएंगे। अल्लाह करे कि सही समझ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सही रुख पर चलने की और शरीयत के एक हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कदर नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मुल्क के अंदर जुल्म जो बढ़ता जा रहा है और फिर उसमें कई खतरात हैं और हो सकता है आगे चलकर फिर वो मसला उठे एनआरसी का और वगैरह वगैरह, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हर एतबार से हम इस मुल्क के अंदर कानूनी एतबार से हमें क्या करना चाहिए वो सब करके रखना चाहिए। उसी सिलसिले में वोटर आईडी कार्ड का मसला है, बार बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाती है कि वोटर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, जाकर बना लें, ऑनलाइन बन रहा है, बना लें, लेकिन बहुत सारे मुसलमान गफलत बरतते हैं, लेकिन जब हालात आते हैं तो फिर इधर उधर लेकर फिरते रहते हैं और हज़ारों रुपये उस वक्त खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद में आने वाले इस इतवार को एक कैंप लगाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, ऑनलाइन बनाया जाएगा। आप हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप हजरात इस सिलसिले में तवज्जो फरमाएं और इतवार के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये कैंप रहेगा। इसमें जल्द से जल्द अपने जिन जिन के पास पहले से मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी वोटर आईडी कार्ड ला कर यहाँ चेक करा लें कि आपका नाम बाकी है या नहीं है।
इसलिए कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के नाम गायब कर दिए गए और जिनका इंतकाल हो चुका उनका नाम बाकी है और जो ज़िंदा है उनको मुर्दा करार दे दिया गया। ये सारी साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों में हम सबको भी चौकन्ना रहना चाहिए, हम भी गफलत में न पड़ें। इसलिए गुजारिश की जाती है जिनके पास है वो भी अपने वोटर आईडी कार्ड लाकर चेक करा लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बाकी है या नहीं है, और जिन जिन का एड्रेस बदलाना है या कुछ स्पेलिंग में गलती है जो भी है वो सब कुछ यहाँ लाकर कराने की कोशिश करें, तवज्जो दें, गफलत न बरतें। आइंदा के हालात से हम सबको भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको कदर नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम की और इन रातों के खूब कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।